हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और रेपियर जेकार्ड के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे नेट ग्राफिक्स व्यू एडिटर में हम व्यू किस तरह से बना सकते हैं। तो व्यू होती है दो प्रकार की, एक होती है वार्प जो इस तरीके से दिखती है, और एक होती है वेफ्ट जो इस तरह से दिखती है। नीचे भी हमने एग्जाम्पल के लिए एक ले ली है, T6 ये है वार्प और ये है वेफ्ट। तो मैं इस तरीके से व्यूज़ को बनाना होता है, तो वो कैसे बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तीन कॉमन व्यू बना लेनी है, जिसमें पहली है L, दूसरी है M और तीसरी है T2। तो हम L बनाते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू, सिंपल, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ओके। तो हमारी L बन चुकी है, इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम अपने लोकेशन पर चलते हैं, डेस्कटॉप व्यू, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो इसे सेव करने के लिए हमें फाइल में जाना होगा, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है L। दूसरी व्यू बनाएंगे हम M। M के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये M बन चुके हैं, इसे भी सेव कर लेते हैं। फाइल में सेव एज, यहाँ पर लिखेंगे हम M। तो ये दो व्यू बन चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे T2। तो T2 के लिए आपको एडिट में जाना है, व्यू क्रिएटर, ट्विल, और यहाँ पर लिखना है 2 और सेव करना है। इसका नाम देना है आपको T2। इसके बाद हम 3 की व्यू बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, सेव, नाम देंगे हम T3 वेफ। मैंने आपको बताया था इस तरीके से वेफ दिखती है। फिर हम 4 बनाएंगे, 4, सेव, T4 वेफ, और इसे सेव कर देंगे। इसी तरीके से आपको 5, 6, 7, 8, 9, 30 तक आपको कंप्लीट करना है। इसे 30 तक होने के बाद हम वार्प व्यू बनाएंगे। वार्प व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट में जाना है, व्यू क्रिएटर पे जाना है, ट्विल में जाना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये हमारी वार्प व्यू है। इसे हम सेव करते हैं T3 वार्प, सेव। फिर यहाँ पर हम 4 करेंगे और यहाँ पर करेंगे 3, फिर सेव करेंगे T4 वार्प। इसी तरीके से आपको 5 बनाना है, 5, यहाँ पर 4, 6 का बनाते हैं, 6, यहाँ पर 5। इसी तरीके से इसका भी आपको 30 तक कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से नेट ग्राफिक्स व्यू एडिटर में व्यू बनाई जाती है। आने वाले वीडियो में हम इसका यूज़ भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।